बचपन में डॉक्टर बनने का सपना सजाया, नीट की तैयारी के लिए पीसीपी में एडमिशन करवाया जी। पीयूष सर ने रास्ता दिखाया तो डिलन सर ने पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाया। ऋषभ सर ने मैकेनिक्स का फंडा बताया तो खान सर ने अपना रूल लगाना सिखाया। बचपन में मेरे को चीनी खाने का बहुत शौक था। फिर एक बार पापा ड्यूटी से आए रात को और मैं रसोई में बैठा चीनी खा रहा था, तो मेरे को चीनी का डब्बा भर के दिया और घर के बाहर बिठा दिया कि जब तक ये खत्म नहीं होगा ना तब तक अंदर बताना। तो जिस दिन मैं पेपर देने गया, मेरा सेंट्री सार का ही था। मैं पेपर देने जब गया, मेरे पापा ने मेरे को ये बोला, देख होएगा तो बढ़िया है, नहीं होएगा मैं पता कि तूने इतना सौ परसेंट दिया है। जी नमस्कार, पीसीपी सीकर से मैं प्रकाश बीचर। कहते हैं कि सफलता की गाड़ी भले ही धीरे चलती हो पर वह जब रुकती है तो सबसे अच्छी जगह लाकर खड़ा करती है, सबसे अच्छे स्टेशन पर लाकर खड़ा करती है। आज मेरे बीच नीट 2024 के बैच के चार ऐसे होनहार विद्यार्थी मौजूद है, तो चारों ही ट्वेल्थ के साथ पहले ही प्रयास में नीट में सेलेक्टेड होकर एक अच्छा स्कोर बनाकर एक अच्छी अच्छी मेडिकल कॉलेजों के दरवाजों तक जाने के लिए पूरी रूप से तैयार है। आइए बारी बारी से इन बच्चों से बात करते हैं। सबसे पहले आप चारों को बहुत बहुत बधाई हो, अपना पारिवारिक पृष्ठभूमि और परिचय के साथ बारी बारी से बताइए। जी मेरा नाम कार्तिक है, मैं चूरू राजगढ़ का निवासी हूँ जी, और मेरा नीट का स्कोर 700 अंक रहा है। मेरा नाम अविनाश सुंडा है और मैं सीकर का रहने वाला हूँ जी, जी। मेरा नीट का स्कोर 695 है जी। मेरा नाम योगेश है, मैं इस हरियाणा का रहने वाला हूँ और मेरा नीट का स्कोर 675 है। मेरा नाम मोहुल है, मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ और मेरा स्कोर 665 है। चारों बच्चे अलग अलग जगह से हैं और चारों ने ही एक बड़ी सक्सेस हासिल की है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 12वीं क्लास के साथ इन बच्चों ने नीट में सिलेक्शन लिया है। अधिकांश से आज के युवा 12वीं क्लास के साथ इस बात का फैसला ही नहीं कर पाते कि उनको जीवन में करना क्या चाहिए, और इन चारों बच्चों ने 12वीं के साथ डॉक्टर बनने का फैसला ले लिया और आज एक अच्छी मेडिकल कॉलेजों के दरवाजों तक जाने के लिए तैयार है। बताइए आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा, कैसा संघर्ष रहा आपका? मतलब सर, 10th तक तो मैं एकदम नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट था। ओके। लेकिन यहाँ सीकर आया उसके बाद मुझे जो मेरे साथ में रूममेट थे उनकी संगत से मैं पढ़ाई मैंने अच्छी स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद जो मैं 12th में आया तो मैं इन सब के साथ ऑप्टिमस बैच में सेलेक्ट हो गया। ओके। फिर उसके बाद से इन सब के साथ मेरा भी सिलेक्शन हो गया, अच्छा पढ़ने लग गया और अच्छे मार्क्स आने लग गए मेरे। बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी के हॉस्पिटल हैं जोधपुर में। डॉक्टर है क्या पिताजी? नहीं, हॉस्पिटल है उनके, हॉस्पिटल ओन करते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल खुद का हॉस्पिटल है जी, दूसरे डॉक्टर ही आके बैठते हैं जी। अच्छा, बहुत। अब मैं खुद डॉक्टर बन जाऊंगा तो आपको डॉक्टर बन जाओगे तो हॉस्पिटल को संचालित आप ही करोगे फिर जी। मम्मी क्या करती है? मम्मी भी हॉस्पिटल में साथ में। अच्छा, मम्मी भी साथ में काम बटाती है, बहुत बढ़िया। आप बताइए, जब रिजल्ट आया इस बात का समाचार घर तक गया कि 675 प्लस का स्कोर आपके बना है, तो उस टाइम घर परिवार में कैसा माहौल था? सर घर पर सभी खुश थे सर जी। मतलब ये तो था कि हाँ कर देंगे, बट जितना पीसीपी साथ जुड़ कर जितना बेहतर मेरे साथ हुआ है, मतलब बहुत ज़्यादा रोल था पीसीपी का मेरे सक्सेस के अंदर। 10th में जब मैं पास आउट हुआ, मतलब एक दिमाग में क्वेश्चन था कि कहाँ जाएँ। ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन आता कोचिंग कहाँ लें। कोचिंग तो ऑलमोस्ट लगभग अलग होते, लेकिन जो हॉस्टल की फैसिलिटी जो पीसीपी ने प्रोवाइड की, जो कैंपस की वो प्रोवाइड की है, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट थी पीसीपी, और मेरा सबसे बड़ा रीज़न यही था पीसीपी आने का। इसीलिए कहते हैं कि पीसीपी स्टूडेंट का होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल ओवर डेवलपमेंट की थीम पर काम करती है। एक ही छत के नीचे आपको सब कुछ मिल गया। यस सर। तो किसने सजेस्ट किया आपको पीसीपी के बारे में? सर मेरे पापा के फ्रेंड है सर, उनकी लड़की यहाँ पर पढ़ती थी जी, उन्हीं ने मेरे को सजेस्ट किया था, वही मेरे को लेके आए थे। क्या करते हैं आपके पिताजी? सर मेरे पिताजी फार्मर हैं। फार्मर है, किसान का बेटा डॉक्टर बना है, बड़ी उपलब्धि है। यस सर। आप बताइए कैसा आपका अनुभव है अब तक का? सर अनुभव तो बहुत बढ़िया लग रहा है अब यहाँ बैठ के, कि पहले सोचा नहीं था कि इंटरव्यू भी देंगे हम, तो सब 11th 12th क्लास में थे, तो जो दूसरी बैच में सिलेक्ट हुए बच्चे आते थे हमारे क्लास में जी। वो आते थे, उनको देखते थे, हमें भी लगा कि हम भी आएंगे। मन में ठान ली कि हमें भी ना नीट में पास करना है और अच्छे नंबरों से पास करना है। तो अविनाश, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी वाइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट जॉब में। माता जी? होममेकर है। होममेकर है, बिल्कुल। कितनी अच्छी बात बोली है कि होममेकर, क्योंकि एक माँ घर को बनाने का काम करती है। आपका क्या अनुभव रहा है? मेरा तो शुरुआत में, मतलब इधर आया था जब 10वीं पास करके, तब शुरुआत में तो लगा कि क्यों भेजा घर वालों ने, मतलब बढ़िया बाहर रहता, फोन वान रखता, बाहर घूमता। अच्छा। फिर शुरुआत में आया, शुरुआत में भी मतलब इतना पढ़ाई में मन नहीं लगा। फिर पहला टेस्ट हुआ ना, पहले टेस्ट में मेरी मतलब 7वीं रैंक थी। फिर बाद में दूसरा टेस्ट लगा, दूसरे टेस्ट में मतलब फोटो लगाने लग गए टॉप 10 की। अच्छा, टॉप 10 में आप आ गए।
फिर मेरी तीसरी रैंक थी, फिर उससे अगले टेस्ट में 11वीं थी, फोटो नहीं आई। फिर बहुत बुरा लगा, इस बार फोटो नहीं आई। जी जी, फिर तब से फिर एक बार लग गया ना नंबर आने का कि हाँ रैंक लानी है अब, तो तब बाद में फ्लो बन गया था। कंटिन्यू आती रही फिर फोटो, कंटिन्यू बीच बीच में चली जाती थी। 700 का फिगर जो लगा है तो ये पहले टेस्टों में भी आए थे क्या, इतने मार्क्स कभी? नहीं, टेस्ट में दो बार हाईएस्ट 695 आए थे। 695, हाँ। तो देखिए ये बड़ी बात है, कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि अगर हमारे टेस्टों में या मेन एग्जाम से पहले जो क्लास टेस्ट हम देते हैं अगर उसमें आपका कम स्कोर रह रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके मेन एग्जाम में उतना स्कोर रहेगा। अगर पेपर फेवर में थोड़ा सा आ गया तो आपका स्कोर बढ़ भी सकता है। और कहते हैं कि उम्मीदें तभी ही पूरी होती है जब अच्छे से मेहनत की जाए, तो आपका पीसीपी के अंदर डेली रूटीन क्या था? डेली रूटीन मतलब शुरुआत में तो नींद ज़्यादा आती थी, फिर बाद स्टडी रूम लगा दिया ना, स्टडी रूम में एक बार फ्लो बनने लग गया तो सुबह जैसे ही 5 बजे वार्डन उठा देते तो 11वीं में तो सुबह क्लास लगती थी, फिर क्लास ले जाते, फिर 12 बजे आकर खाना खा लेते, फिर आधे घंटे रेस्ट कर लेते और फिर स्टडी रूम चले जाते। स्टडी रूम इधर न्यू पीसी पे बढ़िया एसी था और बढ़िया पढ़ाई होती थी। तो कितने घंटे सेल्फ स्टडी हुआ करते थे? सेल्फ स्टडी दिन में क्लास के मिलाकर 12 से 14 घंटे मिल जाते थे। 12 के साथ सिलेक्शन लिए तो बोर्ड और फाउंडेशन का सामंजस्य कैसे बैठा आपको? बोर्ड का मतलब शुरुआत में बोर्ड का डर रहता था, फिर बाद सर और उन्होंने जितने सब ने बोला कि मतलब अभी इतने नंबर आ रहे हैं अगर सिलेक्शन वाला है तो इसी का ही पढ़ो, बोर्ड में पास हो जाओगे फिर। जी जी, क्या स्कोर है बोर्ड का? बोर्ड के मेरे 94.3 हैं। आपका बोर्ड का स्कोर क्या रहा है? 94.20। 90%। 92%। देखिए चारों स्टूडेंट का बोर्ड का स्कोर 90% से ऊपर का रहा है और चारों ने ही 12th के साथ ही नीट में सिलेक्शन लिए हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये उन स्टूडेंट के लिए बड़ी बात बन जाते हैं जो लोग ये कहते हैं कि ये पहले स्कूलिंग करनी चाहिए। अक्सर मैं ये कहता हूँ कि अब ज़माना बदल चुका है, स्कूलिंग नहीं पर ज़माना स्कूलिंग विद कॉम्पिटिशन का है। अगर आप स्कूलिंग के साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे तो निश्चित तौर से कम समय में, कम उम्र में, कम टाइम के अंदर आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। आप मुझे ये बताइए कि नीट में सिलेक्शन के लिए स्टूडेंट को किस प्रकार से स्टडी प्लानिंग रखना चाहिए? जी देखिए, स्टडी प्लानिंग तो जैसे अगर रेगुलर ब्रेक्स लेने बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि फिर स्ट्रेस होने लग जाता है तो उससे पढ़ाई नहीं प्रकार होती से? जैसे हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक, 15 मिनट का ब्रेक। जैसे हम चारों साथ में एक ही क्लास में स्टडी रूम में बैठते थे। हॉस्टल एक ही था क्या आपका? नहीं, सेल्फ स्टडी। अच्छा, क्लास में एक ही थे तो सेल्फ स्टडी साथ में लगती थी जी। तो हर 2 घंटे 1.5-2 घंटे से हमको ब्रेक मिलता था जी। तब सारे के सारे चिल होकर बातें करते थे, बिल्कुल और कुछ नहीं। कभी चाय पीने चले जाते थे, कभी कुछ करते, उससे माइंड एकदम रिलैक्स हो जाता था तो जल्दी गेन करते थे। आप बताइए आपका पीसीपी में डेली रूटीन? सर पीसीपी में डेली रूटीन जो लास्ट के 5 मंथ्स का था हमारा रूटीन, वो था सुबह हम 6 बजे उठकर सेल्फ स्टडी जाते थे जी। उसमें फिर हमारे बीच बीच में हर 2 घंटे में ब्रेक होते थे, फिर हम लंच टाइम में आते थे, 12 बजे हमारा लंच टाइम होता था। फिर लंच टाइम ख़त्म होने के बाद 1 घंटा रेस्ट था, फिर हम अपने सेल्फ स्टडी पर जाकर बैठ जाते थे, पढ़ते रहते थे। फिर अगर दिन में कोई डाउट क्लास हो वो हम ले लेते थे। फिर लास्ट में जब AIT स्टार्ट हुई, जब डेली हमारा पेपर होता था एक पेपर, वो पेपर दे के फिर रात को 11:30 बजे तक हम पढ़ते थे। उन्होंने एवरेज डेली दिन में 10 घंटे तो प्लस आते थे। आपका बताइए डेली रूटीन? सर सेम ही था डेली रूटीन, सब में सब बच्चों की सेल्फ स्टडी लगा रखी थी। पहले मेरे को सर इतना लगाव नहीं था सेल्फ स्टडी से, मेरे को लगा था कि मैं घर पे पढ़ लूँगा, घर पे पढ़ाई हो जाएगी मेरी। तो घर पे पढ़ता रहा तो मेरे नंबर आ रहे नहीं थे। आप डे स्कॉलर थे हॉस्टल? मैं शुरुआत में तो सर हॉस्टलर था, फिर मेरा यहाँ पे मन नहीं लगा तो मैं डे स्कॉलर बन गया। अच्छा, घर वालों के साथ रहने लग गया। तो फिर सर ने बुलाया तो बोला सेफ स्टडी में आओ आप, 1-2 दिन आके देखो। फिर मैं आया तो नंबर आने लगे, फिर मेरा लगाव बढ़ गया कि सेफ स्टडी में आने से नंबर आएंगे। तो फिर मैं सुबह आता खाना खा के, फिर शाम को भी जाता सेफ स्टडी। फिर ये रूटीन था सर, 10-12 घंटे सेफ स्टडी करनी है जी। डॉक्टर बनने का सपना शुरू से था या किसी और? ये तो सर घर वालों को भी था और मेरा भी था सपना। 9th में था कि 10th पास होने के बाद सीखकर जाऊंगा और डॉक्टर की तैयारी करूंगा। बिल्कुल, आप बताइए आपका स्टडी प्लानिंग डेली रूटीन? मतलब शुरुआत में तो मैं हॉस्टल में रहने प्रेफर करता था कि हॉस्टल से ही पढ़ लेंगे, क्योंकि पहले मेरे को लगता था मतलब सेल्फ स्टडी और हॉस्टल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पर हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल में कभी मान लो कभी हॉस्टल में कोई साथ वाले आ गए, कभी बाहर जाए, कभी कैंटीन जाए, कभी ऐसे जाए। पर स्टडी रूम में है ना पूरा माइंड फिक्स हो जाता है कि नहीं अभी पढ़ना ही है, क्योंकि ब्रेक उनका टाइम वाइज होता है, टाइमिंग के हिसाब से। तो ऐसे बारी बारी बाहर जाने का नहीं रहता और बढ़िया फोकस रहते हैं। बिल्कुल। पिताजी क्या करते हैं? मेरे पापा पुलिस में हैं।
पुलिस में, तो पुलिस पिता का बेटा डॉक्टर बनता है, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि घर पर शैतानी की और पिताजी ने कमरे के अंदर बंधक बना दिया? हाँ मतलब बचपन में तो हुआ है, बाकी अब तो नहीं। क्या हुआ बताइए, थोड़ा सी खोल कर बताइए। बचपन में, जैसे बचपन में मेरे को चीनी खाने का बहुत शौक था। अच्छा। हाँ। तो मैं क्या करता, मैं कभी भी किचन में जाता और चीनी खा लेता, मतलब चीनी बहुत खाता था। फिर एक बार पापा ड्यूटी से आए रात को और मैं रसोई में बैठा चीनी खा रहा था। कितने बजे के टाइम बात की? मतलब 11 बजे से की बात है। अच्छा, रात को 11 बजे भी चीनी खा रहे थे आप? फिर पापा एकदम से ड्यूटी से आए थे गुस्से से, तो मेरे को चीनी का डब्बा भर के दिया और घर के बाहर बिठा दिया कि जब तक ये खत्म नहीं होगा ना तब तक अंदर बताना। अब तो डॉक्टर बन गए, अब तो आपको मालूम है कि ज्यादा चीनी खाने से शुगर हो जाता है। आप बताइए कि जब डॉक्टर बनने का समाचार घर तक आया था, तो उस टाइम में परिवार में किस प्रकार का रिएक्शन था? मतलब सर, परिवार वाले खुश तो थे सर, बट मतलब बहुत ये था कि हाँ भाई अपना बेटा डॉक्टर बन गया, बहुत अच्छी बात है। मेरे परिवार वालों को ऐसा था कि उन्होंने मेरे को कभी नहीं कहा कि तू खुद को पुश कर, वो ये कहते थे जितना तेरे से होना तो वो कर, तू तेरा 100% दे, ज़्यादा मत सोच कि होगा या नहीं होगा, जो होगा देखा जाए। हाँ, और जब जिस दिन मैं पेपर देने गया, मेरा सेंटर ही सार का ही था, मैं पेपर देने जब गया, मेरे पापा ने मेरे को ये बोला, देख होएगा तो बढ़िया है, नहीं होएगा मैं पता कि तूने तेरा 100% दिया है। बिल्कुल सही बात है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए स्टूडेंट के साथ पेरेंट्स का व्यवहार। यस सर। क्या होता है, स्टूडेंट का रिजल्ट कमजोर रह जाता है और पेरेंट्स बच्चे पर हावी हो जाते हैं। यस सर। बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। वो ज्यादा होता है सर। ज्यादा होता है। मतलब जहाँ पर बच्चे को मोटिवेशन की जरूरत होती है वहाँ पर बच्चा डिप्रेशन में जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लास्ट के 3 months होते हैं ना, उसमें हमारे अप डाउन चलते ही चलते हैं, उसमें अगर किसी टेस्ट में नंबर कम आ गए ना, तो मतलब कई पेरेंट्स मैंने देखे हैं सर, वो बच्चे को ऐसे बोलते कि रहने दे, छोड़ा तू, नहीं होगा तेरे से, तुझसे नहीं होगा, तेरे बस की बात नहीं। उससे सर उसके मन में डबल नेगेटिविटी जाती है और कॉन्फिडेंस उसका बिल्कुल लो हो जाता है, जितना वो कर रहा था वो भी नहीं कर पाता फिर। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को आप क्या सजेशन दोगे? सर सबसे पहले तो सर अपने बच्चे को समझो सर जी, ये देखो कि वो स्ट्रगल कर रहा है, जरूरी नहीं नंबर नहीं आ रहे, मेन बात होती है वो अपना 100% दे रहा नहीं दे रहा, सत्य बात है। सबसे बात जरूरी तो यही है। हाँ, ये होता है कि सब बच्चों का माइंड एक जैसा नहीं होता, सब एक जैसा कम्पीट नहीं कर पाते कम्पिटिटिव एग्जाम में, नंबर तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। हाँ, लेकिन बच्चा अपना अगर ठीक है ना तो सब ठीक है। बताइए, डॉक्टर बनने के बाद में कुछ नया क्या करोगे आप? डॉक्टर बनने के बाद में? बाद में जी, अभी तो ये सोचा है कि कुछ परसेंट तक मेरे को एक चीज़ सिखाई है कि चाहे डॉक्टर बनो चाहे कुछ भी बनो लाइफ में जी, कि कुछ समय अपना या फिर कुछ टाइम जो नहीं कमा रहे हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए थोड़ा सा निकालना। कैसे निकालो? जैसे कि अगर मान लो मैं डॉक्टर बनता हूँ आगे, तो डॉक्टर बन के कभी कभार जो पेशेंट जिनकी जो फीस पैसे देने के काबिल उतने नहीं है, स्थिति कमजोर आर्थिक जी स्थिति आर्थिक स्थिति कमजोर है, उनकी मदद करना, फ्री में इलाज करना, दवाएं देना। अच्छी बात है, आपकी सोच को सलाम है। और एक अच्छा डॉक्टर उसी को मानते हैं जो प्राणी मात्र की सेवा करने में विश्वास करता है, भरोसा करता है। और कहते हैं कि इंसान शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और इंसान से पहले भगवान को समझ ले तो उसके जीवन में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आती। तो निश्चित तौर से कितने भी बड़े अहदे पर अपन क्यों न चले जाए, अगर अपन प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखेंगे तो एक अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे। आप मुझे बताइए कि NCERT जो आपकी चलती है तो उसको आपने किस प्रकार से लिया है? वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ हो गई सर जी, NCERT के अलावा तो और कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट अभी के लिए। लाइन टू लाइन याद कर ली होगी? लाइन टू लाइन याद करने की कोशिश ज़रूर करी थी, हुई नहीं, कुछ लगभग हुई भी। अच्छा, कुछ नहीं भी हुई। ज़्यादा हो जाती तो और बढ़िया हो जाता जी, ज़्यादा होती तो बढ़िया। जो स्कोर बना है संतुष्ट हो जी? संतुष्ट तो होना पड़ेगा, अब होना पड़ेगा। हाँ, अब ड्रॉप तो नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात है। हाँ जी, आप बताइए आपको सो? यस सर। सर मेरा तो सर लाइफ में एक रूल रहता है सर, चाहे मेरे साथ अच्छा हो चाहे बुरा हो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात? अगर भगवान ने हमें उस जगह जाने से या वो करने से रोका ना, तो उसने कुछ सोच समझ के रोका। आप बताइए आपको सो? यस सर। तो बताइए नीट में सिलेक्शन का मूल मंत्र यही कि सर टाइम टू टाइम अपना शेड्यूल मेंटेन करो जी, कि कई बच्चे होते हैं सर टाइम टेबल बना लेते हैं अपना, फिर फॉलो नहीं कर पाते, तो डिप्रेस हो जाते हैं। टाइम टेबल से अच्छा अपने वो टारगेट रखो, मिशन रखो कि अपन को आज इतने चैप्टर करने हैं, तो ये चैप्टर 2 होने चाहिए आज के आज, नहीं हुए फिर आपकी गलती है। नीट में सिलेक्शन के लिए किन किन चीज़ों का समावेश जरूरी है लाइफ में? मतलब एक चीज़ तो वो ज़रूरी है, मतलब कई पेरेंट्स को मैंने देखा है कि मतलब बच्चे के सामने पहले ही ऑप्शन रख देते हैं कि पहले ही बोल देते हैं कि अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट करा देंगे। तो मेरा तो मानना है कि पहले मतलब जब तक पेपर नहीं हुआ ना,
तब तक तो कोई ऑप्शन नहीं रखना चाहिए। हाँ, अगर बाद में अगर बच्चे का नहीं हुआ तो फिर कोई और फील्ड में बता दे। पहले ऑप्शन रख लेंगे तो बच्चे को वो चीज ही दिखेगी अपने तो। हाँ, फिर वो उसके वो हो जाता है कि अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ज्यादा सुविधा इंसान को वाइज बनाती है। हाँ, और एक ऐसा होता है मतलब कई बच्चों को ये लगता है कि कोई नहीं, अगर नहीं हुआ तो एक ड्रॉप ले लेंगे, मतलब ड्रॉप ले लेते हैं, एक ड्रॉप ले लेंगे, दो ड्रॉप ले लेंगे, तीन ले लेंगे। जी जी। पर मतलब अभी लग रहा है कि हाँ एक साल में क्या ही हो जाएगा, पर जब मतलब बड़े हो जाएंगे तब लगता है कि एक साल की अहमियत बहुत ज्यादा थी। बहुत ज्यादा, सही बात है, वो तो समय के साथ आता है समझ में। हाँ, कई बच्चे मतलब शर्माते ज्यादा है तो मतलब वो ना ही किसी टीचर से अप्रोच लेते और ना ही किसी दोस्त से लेते। तो मैं तो ये मानता हूँ कि मतलब अगर कोई क्वेश्चन हो गया, जैसे अब अपन को नहीं आया, मैंने मॉड्यूल से पीछे सॉल्यूशन देख लिया, हाँ, और फिर नहीं आया तो रट लिया, उससे अच्छा अगर टीचर के पास जाओगे तो फिर वो दो नए तरीके बताया उस क्वेश्चन को और दो अलग तरीके से करने के। और अगर टीचर को अप्रोच नहीं कर पा रहे हो तो मतलब अपना फ्रेंड सर्कल ऐसा रखो कि वो बता दे, वो तुमको पूरा समझा दे। और एक ये फ्रेंड सर्कल का ये फ़ायदा माना मैंने तो मतलब कई बार दोस्त ऐसे क्वेश्चन ले आते हैं सामने, मतलब कई बार पूछने के लिए सॉल्यूशन के लिए, जो आज तक देखे ही नहीं होते, फिर मतलब टेस्ट में आ जाते हैं तब खुशी होती है कि हाँ ये क्या हुआ है। संगति का फर्क पड़ता है, देखो अच्छे दोस्त फ्रेंड सर्कल अच्छा होना जरूरी है। पीसीबी के बारे में लोगों को क्या सजेशन दोगे? सर मैं तो ये मानता हूँ सर पीसीबी का फैकल्टी सिस्टम सबसे बेस्ट है सर। जी सर, ये यहाँ की जो फैकल्टी है सर वो स्टूडेंट के साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, तो बच्चे के मन में डर नहीं रहता कि डाउट पूछेंगे सर डांटेंगे हमको, तो सर चाहे 10 बार पूछो चाहे आप 5 बार पूछो, स्टूडेंट और टीचर्स के बीच का जो भय समाप्त हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है सर यहाँ पे। आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी में किस में इंटरेस्ट करते हो? एक्स्ट्रा सर, एक तो सर जैसे हम हॉस्टल में थे ना सर, दिन में हम पढ़ाते थे, मतलब हमारा ये था कि रात को डेली हम आधे 15-20 मिनट आधा घंटे हम गाने गाते थे सर हॉस्टल में। अच्छा। हाँ। तो ये गाना आज बढ़िया यहाँ सुना दिया जाए ताकि आपकी गाना तो नहीं सर, जैसे मेरे पास है सर मेरी पीसीबी की जर्नी के ऊपर सर मैंने एक लिख रखा सर कुछ। बचपन में डॉक्टर बनने का सपना सजाया, नीट की तैयारी के लिए पीसीबी में एडमिशन करवाया, पीयूष सर ने रास्ता दिखाया तो डिलन सर ने पॉजिटिविटी का पाठ पढ़ाया, ऋषभ सर ने मैकेनिक्स का फंडा बताया तो खान सर ने अपना रूल लगाना सिखाया, रोहिला सर ने करंट कैपेसिटेंस को मिट्टी में मिलाया तो यादव सर ने डूबती हुई मैग्नेटिज्म को बचाया, पचौरी सर ने बोटनी को घोटना सिखाया जी। तो यूवी सर ने बिहाइंड द लाइन पढ़ना सिखाया, एलकेटी सर ने हिस्ट्री को केमिस्ट्री में घुसाया तो केएल सर ने मोना को मारकर दिखाया। मतलब सर मोना यहाँ पर उनका डायलॉग था कि एक मोनोमर नाम से चैप्टर आता है, हाँ उसमें वो ऐसे बोलते थे। आप बताइए आपने पीसीबी के बारे में कुछ विशेष यादें जो हमेशा आपको याद आते रहेगी। यादें सर, जब मैं नया नया आया था तब मेरा रूममेट ऐसा था वो हमको बोलने नहीं देता था। तो मैं आया, अब मेरे यहाँ पर कोई दोस्त भी नहीं था। अच्छा। तो सबसे पहले वही मिला मुझे, वही बोले नहीं दे रहे, वो बोलने नहीं देता हमको क्योंकि उसका लास्ट अटेम्प्ट था, जेई का लास्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। और वो 12th अपने गाँव से पढ़ कर आया था, तो एक ही अटेम्प्ट मिला उसको, तो वो हमको बोलने नहीं देता, बातें नहीं करने देता। वो पढ़ता रहता पूरे दिन, मैं भी पढ़ने लग गया साथ में। ओके। फिर उसके बाद में उसने रूम चेंज कर लिया बातों के कारण, क्योंकि बहुत बच्चे बातें वगैरह करते थे। ठीक है। फिर रात को सब साथ में बैठकर कभी गाने गाते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते। कहते हैं कि जिन बच्चों की जवानी संघर्ष में गुजरा करती है उन बच्चों का भविष्य हमेशा सुनहरा होता है, और ये सत्य बात है कि आज का युवा जिस ओर रुख कर लेता है तो संपूर्ण राष्ट्र उस ओर प्रगति की राह पर आगे बढ़ जाता है। एक छोटे छोटे नौजवान 16, 17 साल 18 साल की उम्र के बच्चे अगर 12वीं के साथ डॉक्टर बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं राष्ट्र को भी एक मजबूती मिलती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि मेडिकल जगत में चारों बच्चे अच्छे नवाचारों के साथ आगे बढ़ेंगे। एक बार पुनः प्रिंस परिवार की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाई।